अस्सलाम वालेकुम प्यारे मेहमान। ये मेरी सहरी की रूटीन है कि रमजान सहरी रूटीन। अब मैं बना रही हूँ पालक आलू साग आलू। देखेंगे देखें, चूल्हा जला लिया मैंने, साग आलू बन रही है मेरा, इसमें ऑयल डालूंगी। देखिए ये मेरा सारा सब्जी कटी हुई है, सारी आलू भी इसी में, मेथी भी है, पालक भी है, इसी में है सब कुछ। देखिए ऑयल डाल रही है। प्याज डाल रही हूँ, प्याज का भगा लगा रही हूँ इसमें मैं। ये गोश्त की तरह बनाएंगे, गोश्त की तरह जैसे पालक, गोश्त में पालक डालते हैं ना, और साथ में मेथी वगैरह भी डाल देते हैं लोग, सब कुछ डालते हैं इसमें भी। ये मैं गोश्त की तरह बना रही हूँ बगैर गोश्त के, ये आलू के साथ आएगा। हरी मिर्च टमाटर है मेरी रखी हुई, थोड़ा सा सफेद जीरा डाल देंगे ये मैं। मैंने पहले अगर खा लिया तो मेरा उससे ये चिंता की आ रहा है नहीं, इसकी चीज वगैरह चेक करके मुझे बताओ ना कि मैं इसको फोन करूँ। मेरे फोन अपने फोन से देख लो कि यहाँ फोन लगा हुआ है। कल भाई फोन करके बताना जाने से पहले इनके। ये देखिए अदरक लहसुन डाल रही हूँ, प्याज ब्राउन होगी ये अदरक लहसुन डाल रही हूँ। फ्राई करने के बाद इसमें हम आधी चम्मच धनिया डालेंगे, कितना ज़्यादा नहीं डालना है, आधी चम्मच है। और ये पीसी मिर्च है, हल्दी है, कुटी मिर्च है बस। और अभी डाल रहे हैं हम बाकी का आलू, टमाटर डाल रहे हैं। ये देखिए टमाटर धुला हुआ है मेरा, ये टमाटर, और टमाटर डालेंगे। अगर टमाटर ना खाना हो तो दही डाल दीजिए एक दो चम्मच। अच्छा ये हरी मिर्च है, ये देखिए बता देंगे सही है भी चलाओ।
पानी डालेंगे। ये देखिए थोड़ा भुना जाएगा, टमाटर वगैरह थोड़ा फूल जाए, ये सारा भी भूनता है ये वाला। फूट गए हैं टमाटर। अब मैं इसमें जो ये साग है पूरा कटा हुआ आलू के साथ, ये सब मैं इसमें डाल दूंगी। धुला हुआ है ये मेरा सारा, पहले से करके रखा है मैंने, धोकर मैंने पानी में भिगो के धोके इसको निकाला है, ठीक है ना। तो इसको डालते तब आ जाएगा ये तो बिल्कुल नीचे हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें पानी तो वैसे ही होता है, बस जरा सा डालेंगे, सही है ना, सारे के लिए थोड़ा सा जरा सा डालेंगे। ये मेरे देखिए ये भी थोड़ी देर में नीचे हो जाता है, और देखिए ये भी, ये समझ लें आप आधे घंटे का है ये काम बस, ठीक है। अभी ये पानी मैंने डाला है, भी थोड़ा नीचे हो जाता है, ये देखिए सही हो जाएगा। बस ये कुछ देर में मैं इसका आपको प्रोसीजर बताती हूँ, और बाकी का ये अभी थोड़ा सा आधा घंटा दे इसमें लगेगा, इंशाल्लाह ये तैयार होता फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये तैयार है, बस थोड़ा सा पानी डाला था, बस ज्यादा कुछ नहीं, आलू भी गल गए इसके, नमक डाल दिया मैंने अपने हसबे जायका जो भी होता है, और चटपटा रखना चाहें तो आप और डाल सकते हैं मिर्चे वगैरह, ये तो आपके ऊपर ही है, बस ये आप खुशक करना है मुझे, भुन रहा है ये, अब खुशक कर लूँ फिर मैं आखिरी, यही है मेरा इसको, ये रमजान रूटीन है मेरी सहरी की, पालक आलू बनाया था ये आज मैंने। और क्या
इंशाल्लाह आप लोगों को सब कुछ पसंद आएगा मेरा जो भी कर रही हूँ मैं। अभी फ़िलहाल तो यार डिश थी सेरी की, रूटीन बताई है मैंने आपको, और इसके साथ आप पराठे बना ले, रोटी बना ले, या बाहर से नान लानी है तो वो कर लें। लेकिन ये कि सेरी में जिनको जाना होता है लेने वाले चले जाते, पर हम तो हम ही हैं ना, हम तो घर में ही बनाते, हम पराठे बनाते हैं सेरी में। बच्चों को पसंद है, इस वजह से भी पराठे सही लगते हैं इन चीज़ों के साथ ज़्यादातर। तो मैं पराठे बना दूँगी इसके साथ, और सादे चावल के साथ भी खाया जाता है ये सादे चावल, और पराठे रोटी नान चपाती सबसे खाया जाता है। लेकिन असल चीज़ में हम तो सेरी कर रहे हैं ना, तो इसलिए पराठे बनाएंगे इसके साथ। थोड़ा सा और रह गया कसर, आराम से पूरी हो जाए ये रेसिपी मेरी मुकम्मल है। घी ऑयल आ रहा है थोड़ा थोड़ा ऊपर इसका। अगर इसमें मक्खन डालना चाहे ना लास्ट में, मक्खन डालिएगा, या क्रीम आती है ऑयल पर क्रीम वगैरह वो डाल दिएगा इसमें, तो और टेस्ट आ जाएगा। बस ये मेरा तो यही है कि मैंने ऑयल से बना लिया, मेरे लिए यही बहुत है। बाकी लोग एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, क्रीम डाल सकते हैं, मक्खन रख सकते हैं इस पर, बेसन की रोटी खा सकते हैं इस पर, बाजरे की रोटी भी चलती है इसके साथ, ठीक है ना। अब ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है ना, तो इस वजह से हम सिर्फ हल्के फुल्के पराठे रखते हैं इसके साथ। हो गया तकरीबन, हो गया सारा काम हो गया। ये मेरी कंप्लीट हो गई डिश, अच्छा चार बस, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सब पसंद आएगा। ये मेरा ये भून गया यार साग आलू मेरा भून गया ये, तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा हम लोगों का, हमारे बच्चों को भी। कंप्लीट हो गई ये चीज़ सारी कंप्लीट, ठीक है प्यारे, अल्लाह हाफिज़।